सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज वेक्टर्स इन थ्री डी ज्योमेट्री और प्लस क्लास ट्वेल्थ आर डी शर्मा मैथ्स की, जिस पर हम बात अब उसको चाहे थ्री डी कह दूँ, चाहे वेक्टर कह दूँ, चाहे जो कह दूँ, क्योंकि टॉपिक वेक्टर मेथड से होना है तो उसको वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि टॉपिक में पोजिशन वेक्टर आना है, कोआर्डिनेट आना है, उसको थ्री डी कह सकते हैं। हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला बाई वेक्टर मेथड, बाई वेक्टर मेथड। देखिए सेक्शन फार्मूले को आप जानते हैं, आपने 2D में क्लास 10th में भी पढ़ा है कि अगर कोई भी एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है और उस लाइन को कोई भी पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1:m2 रेशियो में या m:n कह दीजिए, तो जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा है mx2+nx1/m+n, my2+ny1/m+n या m1 m2 कह दीजिए। सेम थिंग विल बी इन 3D आल्सो। 3D में एक z कोऑर्डिनेट इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूले में एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे इंटरनल डिवीजन की, दोनों इसी वीडियो में बात कर लेंगे, इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे। थोड़ा राइटिंग गंदी है, मैनेज कर लीजिएगा। देखो ध्यान से, इंटरनल डिवीजन कहता क्या है? वो कहता है कि देखो भैया, अगर कोई लाइन है AB, अब आप कहीं टेढ़ी क्यों ना रहे, क्योंकि कोऑर्डिनेट शो करना है, पोजीशन वेक्टर शो करना है, तो कहीं ओवरलैप ना हो जाए इसलिए हम बना रहे हैं ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, ये है x1 y1 और z1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, और एक पॉइंट P है जो इसको इंटरनली m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इंटरनली जैसे कोई लाइन है ना, ये इसका उनका 3:2 के रेशियो में डिवाइड करिए, तो 3:2 मतलब 5 टुकड़े इसके करेंगे, जिसमें 3 टुकड़े एक तरफ होंगे, 2 टुकड़े एक तरफ होंगे। जैसे हम कहें 7:2, तो 7 × 2 = 9, इसके 9 टुकड़े करिए, जिसमें 2 टुकड़े एक तरफ होंगे और 60 टुकड़े एक तरफ होंगे, ठीक है। तो जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y, z हो, तो हमने पढ़ा है x की वैल्यू होती है इधर का, जब m लिखेंगे इधर का x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जिगजैग करेंगे इधर का x उधर का m, तो m1 x2 + m2 x1/m1+m2, y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2+n1, एक्चुअली mn की आदत है ना, mn थ्योरम वो आदत पड़ी हुई है, चलो mn मान लेते हैं, कहने में अच्छा लगेगा इसलिए मैं mn मान लेता हूँ, है ना, मेरी हैबिट है उसमें, इसलिए हमको दिक्कत होती है m1 m2 बोलने में, नहीं ऐसा नहीं है कि बोल नहीं सकते। तो x होगा आप हमारा mx2+nx1/m+n, y होगा my2+ny1/m+n, और z होगा आपका mz2+nz1/m+n। ये आपने क्लास 10th लेवल में पढ़ा है, प्रूफ नहीं पढ़ा है, प्रूफ हम यहां भी बता नहीं रहे, मैं हल्का समझाना चाहता हूं। अब हमने कहा ठीक है, इसको निकालो भाई वेक्टर मेथड से, तो हम ज्योमेट्री मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। वेक्टर मेथड से कैसे निकाले? अब सिंपल सी बात है कि भाई ये दो पॉइंट है, और वेक्टर ने कहता है कि भाई अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका लोकेशन बताने के लिए पोजिशन वेक्टर चाहिए। भाई मान लिया आपको कहना दिल्ली 50 किलोमीटर है, दिल्ली इज अ पॉइंट, कहाँ से भाई, तो बताना पड़ेगा ना, बॉम्बे से, तो बॉम्बे इज ओरिजिन फॉर यू, जो डायरेक्शन है वो जिस दिशा में हो बता दीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक ओरिजिन मानेंगे, है ना, हमने एक ओरिजिन मान लिया और हमने कहा ए का जो पोजिशन वेक्टर है वो OA है, जिसको कि मैंने R1 मान लिया, और बी का पोजिशन वेक्टर हमने कहा OB है, जिसको कि हमने R2 मान लिया। तो जब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको कि हमने R1 माना है, अब OA लिख दो, R1 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये होता है आपका क्या होगा, अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, तो पोजिशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, x1i + y1j + z1k, तो ये हो जाएगा x1i + y1j + z1k। और अगर हम कहें पोजिशन वेक्टर ऑफ बी लिखिए, तो उसको हमने R2 माना है, तो क्या आएगा,
एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के। अब देखो वेक्टर में एक एमएन थ्योरम होती है, उसका नाम एमएन थ्योरम होता है, लैम्डा म्यू थ्योरम के नाम से हमको वेक्टर पढ़ाई जाती है। अब नहीं पढ़ाओ तो मैं समझा देता हूं। वेक्टर में एक थ्योरम होती है, अगर ए बी को कोई पॉइंट पी एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करना चाहता है और एम का पोजिशन वेक्टर चाहिए, तो चाहे उसको एम एन थ्योरम कहिए, अगर मैं इसको लैम्डा और म्यू मान लेता तो इसको लैम्डा म्यू थ्योरम कह दीजिए, अगर इसको एम वन एम टू मान लेता तो एम वन एम टू थ्योरम कह दीजिए। ठीक है, तो हमने चूंकि एम एन मान रखा है तो हमने माना पहले कि पी जो है ना, पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन एम इज टू एन रेशियो। ठीक है, और हमने पोजिशन वेक्टर ऑफ पी जो माना है वो आर मान लिया, आर मान लिया यहां पर, है ना, और पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो आर कैसे निकलेगा, आर निकलेगा आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। तो यहां एम एन थ्योरम हम लिखने जा रहे हैं, इसको रब करने जा रहे हैं, मैं हल्का सा रफली बता देता हूं। तो जब पी का पोजिशन वेक्टर लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है एम इंटू बी का पोजिशन वेक्टर, यानी एम आर टू प्लस एन आर वन अपान एम प्लस एन, ये आपका एम एन थ्योरम होती है। इस थ्योरम को हम यहां प्रूफ करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको हम रब कर देते हैं और बाई एम एन थ्योरम लिखेंगे। अगर आपने लैम्डा म्यू मान रखा है तो लैम्डा म्यू थ्योरम लिखेंगे, अगर आपने M1 M2 मान रखा है तो M1 M2 लिखेंगे, और कुछ नहीं लिखेंगे, वी नो दैट, सबसे सिंपल सी बात है। तो बाई MN थ्योरम, बाई इसका नाम ही MN थ्योरम है, MN थ्योरम जो P का पोजिशन वेक्टर होता है R, वो होता है M1 M और उधर का R2 प्लस N और इधर का R1 और अपान M प्लस N, ये MN थ्योरम होती है। ठीक, ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, अब वैल्यू रखो उठाकर के, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, और ऐसा करो कि वन अपान एम प्लस एन को बाहर कर दो, क्योंकि भैया ऐसा है कि आप वेक्टर में हैं, क्या आप बाहर बैठे, तो जरूरत लगेगी तो आपको अंदर बुला लिया जाएगा ना, थोड़ा सा कैमरे को उधर शिफ्ट कर दिया जाए। अब देखो एम आर टू क्या होगा, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के प्लस एन, आर वन क्या होगा, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, है ना। यहां क्या चल रहा है, यहां चल रहा है आपका आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, वहां लिखे जाते हैं हमसे। अगर हम आई वाले टर्म को एक तरफ करना चाहें तो आई के साथ क्या आने वाला है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन और उसके बाहर आई, जे के साथ क्या आएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान, अच्छा अपान लिखते जाओ साथ में एम प्लस एन, चूंकि अंदर ले जाओ इसको, एम प्लस एन के साथ जे प्लस एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपान एम प्लस एन, और ये हो गया के, और इधर आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड है। अब दोनों तरफ के कोफिशियंट जो आई जे के हैं उनको इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग द कोफिशियंट्स ऑफ आई जे एंड के, इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड्स। देखो यहां पर आई का कोफिशियंट क्या है, एक्स, और वहां पर क्या है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान एम प्लस एन, वाई क्या है आपका, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान एम प्लस एन, और जेड क्या है वहां पर, एम वाई एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपान एम प्लस एन। क्या यही कोऑर्डिनेट्स आपके हैं, यही आपका कहलाता है सेक्शन फार्मूला। अब वेक्टर मेथड्स किया तो वेक्टर मेथड हो गया, अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट तो यही पर आ गया। ठीक है, तो दिस इज द वे टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। अगर हमसे कहा जाए कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट एक्स वाई जेड, तो आपने आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड माना है ना, तो
तो ये पोजिशन वेक्टर हो गए अलग के, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट हो गए। तो थ्री डी में की बात करें तो कोऑर्डिनेट मेथड से कर दो, अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर लिख दो, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया इंटरनल डिवीजन, अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होता तो थोड़ा सा एन एन थ्योरम चेंज हो जाती है, इसी में हम चेंज करते हैं, मतलब पूरा नहीं लिखेंगे हम। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब ये हुआ, इसको रब कर देते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब ये हुआ, एक्सटर्नल डिवीजन मतलब ये जो पॉइंट पी था ना वो एबी को इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा था, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था। अब आप कहिए एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करेगा, भाई ये लाइन है यहां से खत्म, अब यहां वहां कहां जाके कहां डिवाइड करेगा, वो मैं रेशियो कल मानूंगा कि यहां से ये दूरी इतनी है, यहां से ये दूरी इतनी है, तो ये रेशियो हुआ जाकर के, ठीक है। जैसे हमने ये एबी माना है ना, ये एबी हमने माना और हमने इसका जो पोजिशन वेक्टर लिया ए का वो लिया आर वन, पहले बार रहेगा भाई, और बी का जो लिया वो लिया हमने आर टू, तो पी हमारा यहां कोई पॉइंट है। अब ये देखना एबी के ऊपर कहां है, एबी को एक्सटेंड कर दिया हमने, और हमने कहा ए से जो इसकी दूरी है रेशियो के हिसाब से वो एम है और यहां से इसकी दूरी एन है, तब पी का पोजिशन वेक्टर निकालिए, तो बिल्कुल सेम होगा, यहां पर माइनस लग जाएगा जब आर निकालेंगे, ठीक है। और जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां हर जगह प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इंटरनल डिवीजन में माइनस और एक्सटर्नल डिवीजन में, सॉरी इंटरनल में प्लस था, इसमें सब जगह माइनस हो जाएगा, तो ये नए कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर लिखे हुए, प्रूफ नहीं करना है, अगर प्रूफ करना भी चाहें तो एम एन थ्योरम में आप यहां पर माइनस लगा दीजिएगा और पुट द वैल्यू यू विल गेट द आंसर। समझ में आ गई बात, यानी जब आप एम लिखेंगे ना, एम यहां से लिया तो कोऑर्डिनेट एक्स का इधर का लिखेंगे, वो एन यहां से लिया तो कोऑर्डिनेट एक्स का इधर लिखेंगे, जिगजैग लिखेंगे, ए एम उधर का, कोऑर्डिनेट दूसरे का, है ना। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। एक चीज और समझ लीजिए आप साथ में, कि भाई अगर आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो कोऑर्डिनेट आप क्या बता रहे हैं, आपने, अब मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूं, आपने कहा भाई ये ए बी है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन और इसका है एक्स टू वाई टू जेड टू, और ये पॉइंट पी था जो इसको एम टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तो पी का जो कोऑर्डिनेट आप लिख रहे थे वो लिख रहे थे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान एम प्लस एन, यहां तक टू डी में था, और थ्री डी कहती है कि भाई एक और कर दो एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपान एम प्लस एन। अगर पी इज अ मिड पॉइंट, अगर पी मिड पॉइंट होगा तो एक्चुअली रेशियो सेम हो जाएंगे, और रेशियो सेम होने के लिए हम एम इज टू एम ना लिख करके वन इज टू वन लिखते हैं। अब आप कहें हम तो एम इज टू एम लिखेंगे, लिखो एम इज टू एम, एम इज टू एम लिखोगे तो एम एम कैंसिल हो जाएगा बाद में, तो जब वन इज टू वन करोगे यहां पर तो पी का जो कोऑर्डिनेट आएगा एक आएगा एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू और जेड वन प्लस जेड टू बाई टू, ठीक। अब ये तो हो गया कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका, एक बढ़िया सी बात समझ लीजिए, वो बढ़िया सी बात आपके बहुत लाभदायक है, देखो ध्यान से। मान लेते हैं कि आपको ए बी एक लाइन दी हुई है ना, ए बी एक लाइन दी हुई है, ए बी एक लाइन दी हुई है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हमने पी को यहां लोकेट नहीं किया, और आपसे कह रहा है कि ये जो पॉइंट पी है ना वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये नहीं दिया गया है कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, तो कहीं कहीं पर तो मुझे देख करके मालूम हो जाएगा कि इंटरनल करेंगे एक्सटर्नल, कैसे, जैसे मैं आपसे कोई कोऑर्डिनेट ले लूं कि भाई वन कामा फोर है, मैं टू डी की बात कर रहा हूं, और ये वन कामा माइनस फाइव है, तो हम जान जाएंगे ना कि ये कोऑर्डिनेट फोर्थ में होगा या सेकेंड में होगा, और एक्स एक्सिस में किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम जान जाएंगे ये इंटरनल डिवीजन होगा। लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन है इंटरनल, ये ना समझ पाए तो थ्री डी में क्या करेंगे या टू डी में, तब हम क्या करें, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम है तब तो हम बना लेंगे, अब थ्री डी में ऑक्टेट ऑक्टेट का सिस्टम होता है, क्या कहते हैं उसको, ऑक्टेंट कहते हैं ना, ओ सी टी एन टी, ऑक्टेंट, आठ उसमें होते हैं, तो क्या करें भैया,
बढ़िया तरीका बता दें आपको। आप यहां क्या करेंगे, आपका जो मन करे वो डिवीजन लगा दीजिए। मान लीजिए आप इंटरनल लगाना चाहते हैं, तो आपने देखा x1 दिया, x2 दिया, x दिया है और m x2 चाहिए, तो आपने x बराबर m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n लगा दिया। अब आपको x1 x2 और x मालूम है और आपसे रेशियो पूछ रहा है, तो जब रेशियो निकालोगे तो दो चीजें यहां होंगी, m इज टू n जो निकलेगा वो 2:3 ऐसे निकलेगा या -2:3 निकलेगा, या तो पॉजिटिव निकलेगा या तो निगेटिव निकलेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, जनरली हमें ये पढ़ाया जाता है या हम पढ़ते हैं कि निगेटिव निकले तो एक्सटर्नल डिवीजन, ना। जो फार्मूला हमने लगाया है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है मतलब मेरा अप्लाइड फार्मूला इज करेक्ट। अगर हमने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया है और रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, यानी इंटरनल डिवीजन ही यहां पर है, हमने इंटरनल का फॉर्मूला लगाया है रेशियो निगेटिव आ रहा है, तो दैट विल बी एक्सटर्नल डिवीजन। बस नहीं समझे, जैसे आपने यहां फॉर्मूला लगा दिया होता एक्सटर्नल का एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपान एम माइनस एन, और ये एक्सटर्नल होता तो भैया ये 3:2 ऐसे होता, इसको ये वैसे 2:3 नहीं होगा, ठीक है ये ऐसे होता। यानी जो फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हो अगर वो सही है, वही अप्लाई होना चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर वहां निगेटिव वैल्यू आ गई है तो आपका फार्मूला उल्टा लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काट दीजिएगा, आप लिखिए दिस निगेटिव साइन इंडिकेट दैट इफ वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल डिवीजन, तो आप लिख देंगे देयर इज अ इंटरनल डिवीजन। अगर आप इंटरनल लगा रहे हो तो वहां एक्सटर्नल होगा। नहीं समझे, मतलब जो फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हो अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है रेशियो में तो आपका फार्मूला सही है, अदरवाइज उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं जो किसी लाइन को इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइड करती है। ठीक है, समझ में बात आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।